नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से, जहां आजम खान को उनकी बीमारी के चलते MP MLA कोर्ट से राहत प्रदान करते हुए 15 तारीख को कोर्ट में पेश होने की अनुमति प्रदान की गई है। आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को हर हालत में 15 तारीख को कोर्ट में पेश होना ही होगा। कोर्ट में सुनवाई थी क्या? देखिए, उसमें हाजी माफी प्रार्थना पत्र आया था कि तबीयत खराब है और डॉक्टर ने रेस्ट दिया है, जिसको स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने जो है कार्रवाई को जो है 15 तारीख तक स्थगित कर दिया है। 15 तारीख की तिथि नियत की है 313 का बयान अंकित करने के लिए, और माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि तीनों अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, अपना 313 का बयान अंकित कराना। इसके अलावा एक भड़काऊ भाषण मामले में था, उसमें क्या? उसमें भी 15 तारीख तिथि नियत की गई है, उसमें भी उनकी हाजी माफी आई थी कि तबीयत खराब है, उसमें भी माननीय न्यायालय ने जो है व्यक्तिगत हाजिरी के लिए। जब 15 तारीख को व्यक्तिगत रूप से तीनों हाजिर होंगे कोर्ट में? जी। कोई हजार जुर्माना? नहीं, कोई हजार जुर्माना नहीं। इसके अलावा